हेलो दोस्तों, लास्ट माइल अप्रोच के इस यूट्यूब हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं टॉप 5 स्टैटिक एंड डायनेमिक एमसीक्यू सीरीज जो कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, यहाँ पर सही विकल्प का मिलान करना है। एक तरफ झील दी हुई है, दूसरी तरफ किस देश में स्थित है? यह दिया हुआ है झील माराकाइबो वेनेजुएला में स्थित है। जी हाँ, पहला सही मिलाया गया है। दूसरा झील चेपला मैक्सिको में है। जी हाँ, यह भी सही है। तीसरा चाट मेल रहिर झील अल्जीरिया में स्थित है। जी हाँ, यह भी बिल्कुल सही है। इसलिए ऑप्शन डी सभी सही सुमिलित हैं। आगे बढ़ते हैं, सही विकल्प का मिलान करना है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम एक तरफ दिए हुए हैं, दूसरे तरफ दिवस दिए हुए हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पर तीनों ही विकल्प सही मिलाए गए हैं, इसलिए ऑप्शन डी सभी सही सुमिलित हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। कोट डीजी किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जिसे औपचारिक रूप से फोर्ट अहमदाबाद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए स्टेटमेंट ए, यह मीर सोहराब खान तालपुर द्वारा 1785 और 1795 के बीच पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर जिले में बनाया गया था। दूसरा स्टेटमेंट, किला पाकिस्तान के रोहरी हिल्स के दक्षिणी छोर पर 2500 से 2800 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता स्थल के ऊपर बैठता है। जी हाँ, पहला स्टेटमेंट और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर हमें सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन बी दोनों ही विकल्प यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ लीडरशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। जी हाँ, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इसे 2008 में आईटीए भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत पंजीकृत एक शैक्षिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। जी हाँ, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, स्कूल को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय या एमएसएमई मिनिस्ट्री द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जी हाँ, तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमें गलत विकल्प का चयन करना है, इसलिए ऑप्शन ए कोई भी विकल्प यहाँ पर गलत नहीं है। पांचवा प्रश्न, सही विकल्प का मिलान करना है। एक तरफ अनुच्छेद, दूसरे तरफ राज्य का विशेष प्रावधान दिया हुआ है। अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरा, अनुच्छेद 371 एफ में सिक्किम के विषय में बताया गया है। जी हाँ, बी भी सही है। तीसरा, अनुच्छेद 371 जी मिजोरम के बारे में बताया गया है। जी हाँ, यह भी बिल्कुल सही मिलाया गया, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सभी सही सुमिलित है। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑफ आवर लास्ट माइल अप्रोच यूट्यूब हिंदी चैनल। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर इनिशिएटिव।